हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमोन डार्क वर्शिप। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोग आ चुके थे अबेको सिटी, लेकिन यहाँ पे हम लोग थोड़े जल्दी आ गए। यहाँ पे हम लोगों को अभी फ़िलहाल तो कोई काम नहीं है। सबसे पहले हम लोगों को रिटर्न जाना पड़ेगा, पहले रिपेल यूज़ कर लेंगे। रिटर्न जाएंगे हम लोग पोम्पेनो सिटी, बिकॉज़ वहाँ पर हमारा काम है। आप लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स में बता दिया था कि मैंने एक्चुअली रूट 14 पे एक चीज़ है जो कि मिस कर दी, तो मुझे वो सबसे पहले हासिल करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा, सो नीचे के साइड है। तो सिंपली हम लोग, अरे यार मेरे को बैटल नहीं करनी थी, बट ठीक है। एंड हाँ गाइज, आप लोग में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यार ब्रो तो इसको हटा दे गैल्वेंटुला को, बट गाइज आपको गैल्वेंटुला की पावर पता नहीं है। लिटरली उसकी जो स्पीड है ना, वो बाकी सारे पोकेमोन से काफ़ी ज़्यादा है। और प्लस वो एक कंपाउंडाइज वाला पोकेमोन है जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है यार, तो आई डोंट थिंक मुझे उसको हटाने की कोई ज़रूरत है। हम लोगों को यहाँ पे आना था, यहाँ पे एक डबल बैटल होने वाली है। सो मैं पोकेडेक्स की ओपन कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आई विल जस्ट यूज़ अर्थक्वेक, और किसको अर्थक्वेक लगेगा नहीं ये वाला। ओके, दो फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन यूज़ करेंगे एंड हम लोग इनको हराने की ट्राई करेंगे, बिकॉज वैसे भी गैरेडोस भी फ्लाइंग टाइप है और ग्लाइस्कोर भी फ्लाइंग टाइप है, तो दोनों को अर्थक्वेक लगेगा नहीं। बस हम लोग शॉर्ट डांस कर लेंगे और ड्रैगन डांस कर लेंगे, जिससे कि दोनों का अटैक बढ़ जाएगा। ओके, प्लस ग्लास्कोर पॉइजन हो चुका है, दैट मीन्स हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। अर्थक्वेक यूज़ करेंगे और एक्वाटेल यूज़ करेंगे। ये तो क्रिटिकल हिट से ही चला गया, मॉक से ट्रिगर हो चुकी है। ग्लास्कोर और गैरेडोस की जोड़ी सही में काफ़ी अच्छी बन रही है, लाइक आई कैन सेंस दैट, बट ठीक है। अब तो अर्थक्वेक ही यूज़ कर लेंगे, वैसे भी दोनों में से किसी को हर्ट होने नहीं वाला। ड्राई स्किन, ओके। सही है, लाइक दोनों फ्लाइंग टाइप है और उसका दोनों का सेकंड टाइप काफ़ी अलग अलग है। ओके, हम लोगों को यहीं पे आना था, यहाँ पे एक वेल है, हम लोगों को यहाँ से ऊपर जाना है, मैं आपको बता देता हूँ, और इसके अंदर चले जाना। यहाँ पर आपको रॉक क्लाइंब देखने को मिलेगा, ये जो ट्री का बचा हुआ हिस्सा है उसके अंदर चले जाने का और इससे बात करने का। इसका नाम है सादिदा, जो भी नाम है। आई वॉज थिंकिंग विद वॉट लिटल न्यूरॉन्स आई हैव लेफ्ट, यू नो वॉट आई नीड इन दिस मोमेंट ऑफ बोर्डम, दैट्स राइट, आई नीड अ हर्ब, आई नीड द बेस्ट सीक्रेट वीड। ओके, हाउ एवर दिस हर्ब ओनली ग्रोज इन हिली टेरेन, ओके, आई हैव इवन हर्ड इट्स इनसाइड डार्क केव्स, इन माई कंसेप्शन इट ग्रोज ऑन रूट 6, इफ़ यू गेट इट फॉर मी आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड, विल यू हेल्प मी? ओके, वेल आई न्यू यू आर अ स्मार्ट पर्सन, कम हियर एंड थिंक विथ मी, सी इफ आई एम राइट, इफ दिस ग्रास ग्रोज इन केव्स हीली प्लेसेज एंड ऑन रूट 6 इज हीली एंड देयर केव्स, देयर कैन बी ओनली वन देयर, ओके, बट टू एक्सेस द केव ऑन रूट 6 यू हैव टू क्लाइंब द रॉक्स, एंड हाउ डू यू क्लाइंब देम? That's right, with the climbing boots. Luckily, I have some here to help you. Take it. Okay, तो basically मुझे rock climb boost, मतलब rock climb करने के लिए climb boots मिल चुके हैं, जिसका use करके मैं rock climb कर सकता हूँ। That's it. Now you have what you need to get the hub. I will be waiting for you to bring it to me. You have to, otherwise I will curse your life. Okay, beware that. I'm a wizard, a good one. See you later. Okay, basically हम लोगों को इसका छोटा सा मिशन भी करना है, और इसके बदले में उसने हम लोगों को एक तो क्लाइंबिंग बूट्स तो दे ही दिए, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो और भी रिवॉर्ड देगी अगर हम लोग उसको जो प्लांट चाहिए, वो मैं वो वर्ड नहीं बोलूँगा ऑब्वियसली, अगर वो हमने दे दिया तो वो उसको हमको एक और रिवॉर्ड देगी, जो कि अच्छी बात है ना। तो चलो आई गेस हम लोग जाएंगे अभी फिर से पोम्पेनो में तो था, क्या हम कर क्या क्या करता रहता है। लेट्स गो टू अबेको सिटी देन। वेट, मैंने पोकेमॉन हील नहीं किया था ना आई गेस, बिकॉज अभी हमारी बैटल हुई थी थोड़ी सी।
तो फट से पोकियन हील कर लेंगे। ओके थैंक यू नर्स जॉय। अभी हमारे पास रॉक क्लाइम आ चुका है, सो दैट मींस हम लोग काफ़ी सारे एरिया को एक्सेस कर पाएंगे। अभी यहाँ पे नियर सामने जाना था। आई होप मेरा रिपेल अभी भी ट्रिगर है, आई गेस होगा ही, अभी ख़त्म हुआ। वेट यहाँ पे भी रॉक क्लाइम करके एक मेगा स्टोन को ले लेंगे, देखते हैं ये कौन सा मेगा स्टोन है। गारचॉम का मेगा स्टोन है, ठीक है तो नहीं मेरे पास गारचॉम, लेकिन गाइज मुझे बताना कि क्या मैं मेरी टीम में गारचॉम को लूँ, बिकॉज मुझे ज़रूरत तो नहीं लग रही, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी ग्राउंड टाइप के लिए हमारे पास ग्लाइस्कॉर है जो कि काफ़ी अच्छे खासे ग्राउंड टाइप मूव सीख चुका है। अर्थक्वेक आ चुका है, अर्थ फॉर मी अर्थक्वेक इज़ द बेस्ट ग्राउंड टाइप मूव यू कैन एवर आस्क। यहाँ पर भी एक जगह है रॉक क्लाइम करने के लिए, आई गेस दिस इज़ द प्लेस यू गाइज वर टेलिंग मी अबाउट। ओके ठीक है चलो कोई नहीं, यहाँ पे बैटल करना है तो हम लोग खुद ही जाके हम लोग बैटल करेंगे। ओके अब वो पेन स्प्रेड करेगा बट कोई नहीं कोई नहीं। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, गोस्ट टाइप होता है ना ये, मैं अपना अटैक मैक्सिमाइज कर दूंगा। तो डेस्टिनी बॉन्ड खेलते रहे ब्रो। ओके उसको हमने काफ़ी इजीली हरा दिया। अरे यार पता है गोस्ट टाइप के लिए ना दिक्कत होती है, बिकॉज ये जो पोकेमॉन्स होते हैं ना जिनकी एबिलिटी लेविट होती है उनको हराना इजी नहीं है ग्लाइस्कॉर को, बिकॉज मेरे पास कोई ऐसा मूवी नहीं है जो कि उनको हरा पाएगा। नॉर्मल टाइप से तो इनको हिट होता नहीं है, ये काफ़ी अजीब सिनारियो हो जाता है फिर मेरे लिए, बट कोई नहीं सिंस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो हम लोग आई गेस हो जाएगा कोई नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा। एक बिग नगेट मिल चुका है यहाँ पे, यहाँ से सर्व करके जाएंगे ऑब्वियसली। आई होप मैं सही जा रहा हूँ। ओके दैट वाज इजी। आजा वाइट कर ले, हु आर यू, आई एम योर बॉस एनिमी। अभी देखो आई गेस ये तो हिट हो जाना चाहिए। लेकिन नॉर्मल किसी टाइप के सामने वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पोकेमोन है। हाँ बस गोस्ट टाइप के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करता है ये पोकेमोन, बट बाकी लोगों के लिए तो ये सही में काफ़ी काफ़ी वो भी पोकेमोन है ये। आई होप इस अभी देखो ये जो पोकेमोन्स होते हैं ना लेविट वाले ये बहुत ख़राब होते हैं, मुझे नहीं पसंद। ओके हरा दिया ब्लेजिकन ने। वैसे तो मेरे पोकेमोन्स के लेवल काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता भी है। वो वीट यहाँ पे आई गेस वो प्लांट है, मैं पहले जाके उसको कलेक्ट कर लूँगा, बिकॉज मुझे उस विजार्ड का कोई कर्स नहीं चाहिए। आई नो यहाँ पे जर्नियस है और आई गेस वो जो आदमी है वो आइजैक है, वह इवेंट करेंगे डोंट वरी। हम लोगों को मिल चुका है वो जो प्लांट था, वो साइकिक सीड्स भी मिल चुकी है जिसका यूज़ करके मुझे नहीं पता क्या करूँगा मैं, बट हाँ जस्ट इन केस बैग में पड़ी रहेंगी या फिर मैं डाल दूंगा। ये क्या हो गया यहाँ पे, कोई ग्लिच हो गया है। आई फाइनली फाउंड यू जर्नियस, फाइंडिंग यू वॉज हार्ड बट आई न्यू आई कुड डू इट विथ योर पावर टुगेदर विद दैट वाइवल्टर ऑफ दैट वाइवल्टर आई विल हैव द की टू गेट द सीक्रेट पोकेमॉन गो मिस्टिक बॉल। थैंकफुली दिस टाइम आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम्स विद दोज मेडलर्स आई फाइनली हैव पीस। नहीं तुझे लगता है मैं तुझे परेशान नहीं करूँगा आइज़ैक, इतने जल्दी नहीं। आई न्यू इट, इट वॉज टू क्वाइट टू बी ट्रू, आई कॉन्ट बिलीव दैट यू फाउंड मी हियर। वॉट डिड यू हियर दैट आई सेड, समटाइम्स आई डू टॉक टू मच बट इट डजेंट मैटर बिकॉज यू आर नॉट लिविंग हियर टू टेल द स्टोरी, आई विल टेल यू समथिंग एल्स। द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड आर वेरी फूलिश,
आई हैव ऑलरेडी गॉट वॉट आई नीडेड टू गेट द सीक्रेट पोकेमॉन इट्स ऑल इन माई फेवर एंड देर इज नो वे टू अवॉइड द रिबूट ऑफ द वर्ल्ड यू नो सैमी यू रिमाइंडेड मी ऑफ माई सेल्फ लॉन्ग टाइम अगो आई वॉज जस्ट लाइक यू नाइव एंड एक्टेड ऑन इमोशन बट लाइफ हैज टॉट मी अ वैल्यूएबल लेसन आई विल टेल यू अ लिटिल बिट ऑफ माई स्टोरी फॉर यू When I was 17 years old, my Pokemon partner was Kilawa. We were super friends. We would go from one place to another, winning battles in the region. But one day I decided to visit the Kanto region. There I met a boy. His name was Giovanni. I really identified with him because he thought the same as I did, okay? One day he took me to the power plant there, but it was not very good. When we got there, we ran into motorcycle gang. They were cruel to us, okay? They forced us to fight them. My Quilava fought bravely to defend me, but the worst happened. Their mug covered him with poison and, okay, imprisoned him, okay? Damn, matlab ye to broken hero hai. Poison and full of wounds in his body. He didn't make it. There was no time to get to the Pokemon Center. He died on the way. That day was the worst day of my life. I took him to the Pokemon Tower for mourn him, okay? After that day, I promised myself that I would get revenge. I spent years and years with this in my mind. I would love to tell you the rest of the story another time. Now I will have to gather my followers to go capture the sacred Pokemon. The next time we will see each other, we will battle. And I will show you my new power. Farewell. Oh, so basically, is bichare ka Pokemon battle mein... काइंड ऑफ कह सकते हैं शहीद हो गया आई डोंट नो कि ये राइट वर्ड है कि नहीं बट फिर भी बेसिकली मुझे लगता है आइज़ैक एक ब्रोकन हीरो है दैट्स व्हाई ही वांट्स टू फिक्स दिस वर्ल्ड गाइस मुझे आप बताना अगर आप सीक्रेट सॉरी क्या बोल रहा हूँ मुझे आप बताना कि आइज़ैक की स्टोरी सुनकर आपको कुछ लगा लाइक कुछ फील हुआ ये तो सेम मेरे को इसकी जैसे स्टोरी लग रही है आई गेस जैसे रेड ने हरा दिया था ब्लू के पोकेमोन को ब्लू के रेटिकेट को लाइक सेम बट दैट डजंट मीन ना कि तू इविल बन जाए एंड इसके कनेक्शन जीवानी के साथ भी है वो बंदा जीवानी तो है ही ऐसा क्या कर सकते हैं जहाँ जहाँ कैंटो में बुरा काम होता है वहाँ वहाँ जीवानी दिखता ही है बट हाँ हमारे पास वो प्लांट अरे मेरे पास फ्लाई नहीं है यार फ्लाई कब मिलेगा मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है अभी रिटर्न जाएंगे पहले पोकेमॉन हील कर लेता हूँ और फिर उसके बाद वो जो विजार्ड था उसको उसका जो प्लांट है वो भी दे देंगे बिकॉज आई होप वो मेरे को रिटर्न में कोई अच्छा आइटम देगा आइटम या फिर मे भी कोई टीएम एचएम कोई भी दे सकता है कुछ भी दे सकता है नोबडी नोज तो पोकेमॉन हील कर लेंगे एंड फिर जाके देखते हैं कि वो विजार्ड इन रिटर्न में क्या देगा या फिर पता चला कोई मेगा स्टोन दे दिया अच्छा पोकेमॉन का वो भी अच्छी बात है लेकिन पता है कहते हैं कि अरे मैं फिर से बैको आ गया हाँ लेकिन कहते हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे तो अच्छी बात होती है पोम्पैनो में आ रहा हूँ ओके चलो इस लड़की को तो मैंने हरा दिया था काफ़ी इजीली रिपेल ख़त्म हो गया एक और मार लेंगे नॉट अ बिग डील मैं आ चुका हूँ विजार्ड जी आपका ये लो वीड फाइनली यू केम बैक आई वॉज थिंकिंग आई वुड हैव टू रियली कर्स यू बट इट वॉज वर्थ वेटिंग फॉर दिस ब्यूटी ओके ठीक है थैंक यू वेरी मच नाउ आई विल मेक अ क्रेजी मिक्स विद इट एज प्रॉमिस्ड आई विल गिव यू अ रिवॉर्ड टेक इट जोरुआ ओके पोकेमॉन दिया आई होप यू टेक गुड केयर ऑफ इट इट कैन बी अ की पार्ट ऑफ योर जर्नी यू विल बी इन फॉर्म ऑफ सरप्राइजेस अलॉन्ग द वे You will hear a lot about me yet. See you later. ये है कौन मुझे नहीं पता बट ठीक है अभी आई गेस मैं नीचे जा सकता हूँ बिकॉज जो एरिया ब्लॉक था वो अभी अनब्लॉक हो जाएगा ना आई होप सो रूट 15 पे आ चुके हैं अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे यहाँ से आई गेस मैं अगर सर्फ करूँ नहीं आई डोंट थिंक मैं सर्फ करके जा सकता हूँ बिकॉज वहाँ पे एक थिक वॉल है जो कि मैं एक्सेस नहीं कर पाऊँगा बट ये देखो अभी इसको कैसे उठाऊँ मैं जगह से बताना मुझे गाइस अब उठना मेरे को वो चाहिए
पोके फ्लूट कहाँ पे मिलेगी मुझे यहाँ पे? अच्छा इससे तो फाइट हो चुकी थी हमारी। ओके इस एरिया में नहीं आ चुके थे हम लोग। लीमिया सिटी ओके, यहाँ पे कुछ तो कट सीन है। कम ऑन माई ब्रदर्स, ओटोमाई आइलैंड इज वेयर वी विल फाइंड द सीक, फॉलो मी। ओके ओ, उसने उसको धमकी दी और फिर वो हट गया सामने से। डैम आइजैक, तेरी पावर तो काफ़ी अच्छी है। सो बेसिकली वी आर हियर फाइनली इन लिमिया सिटी। आई गेस किसी कैरेक्टर ने मेरे को बोला भी था कि अब वो लिमिया सिटी जाएगा नेक्स्ट। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वीट यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं? द डार्क सेक्ट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ इज टेकिंग ओवर दिस प्लेस। ओके ठीक है। इनवोकिंग द पावर ऑफ द स्पिरिट्स आई कैन टेलीपोर्ट यू टू अनदर प्लेस बट द स्पिरिट आर नॉट आंसरिंग। ओके अब कब करेंगे आंसर मुझे वो भी नहीं पता। वेट, मैं अब पोकेमॉन हील कर लेता हूँ जस्ट इन केस अगर मैं कहीं फेंट वगैरह हो गया। मैं यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाऊँ बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर आना काफ़ी लंबा रास्ता था। एक बार गेम सेव कर लेते हैं एंड ओके चलो देखेंगे। वो यहाँ पे ग्रोडॉन का स्टैचू है, यहाँ पे एक जिम भी है, चलो जिम को चैलेंज कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। पहले बता मेरे को ड्रैगन टाइप क्यों लग रहा है? वेलकम टू लिमिया सिटी जिम ट्रैवलर, अवर लीडर इज़ अ क्रेजीएस्ट एट द सेम टाइम द मोस्ट ब्रिलियंट, ही रियली लाइक्स ड्रैगन। मुझे लगा ही था। देर इज़ अ इंटरेस्टिंग पजल इन द जिम, यू हैव टू चूज द राइट स्क्वायर टू जम्प टू, इफ़ यू चूज द रॉन्ग वन यू विल गो बैक टू द बिगिनिंग, इफ़ यू डोंट हैव हीलिंग आइटम्स। हाँ हाँ ये तो पता है, थैंक यू फॉर द फ्रेश वाटर। ओके चलो देखते हैं, कोई बात नहीं मेरे पास यहाँ पे सेव वाली पावर है तो मैं इससे ढूंढ ही लूँगा। ओ ओके ओके यहाँ से सेव। ओके सेव ओके दैट वाज इजी। यहाँ पे भी नहीं जाना, कहाँ पे? नीचे। ओके ओके ये तो काफ़ी इजी था आई गेस। मैं इनको अवॉइड कर, इट्स लाइक सबरीना का जिम। ओके यहाँ पे देखते हैं। नहीं यहाँ पे, नहीं यहाँ पे आगे जाना पड़ेगा। ओके तो आई गेस यहाँ से आगे जाना पड़ेगा। आई डोंट नो। ओके नहीं फिर यहाँ से नीचे, अरे नीचे नीचे, अरे नीचे रे बाबा नीचे। ओके आई होप यहाँ से तो मैं सीधा जाऊँ। नहीं सीधा एक बार जाना था, उसके बाद कहाँ पे जाना है? नहीं ओके ये तो ठीक था। ये एडा है क्या गेम? मैं ऊपर दबा रहा हूँ नीचे कूद रहा है। ओके
ओके आई गेस मैं पहुंच गया, आई गेस मैं पहुंच गया। ओके पहुंच गया गाइस, एंड होप सो ओके फाइनली आई एम हियर। मैं जिम लीडर को चैलेंज कर सकता हूँ, तो हम लोग अभी करेंगे ऑब्वियसली। इसका नाम है लेवियाटा। ग्रीटिंग्स यू यू पीस ऑफ ट्रैश। ओके वेलकम टू माई जिम, आई एम द ग्रेटेस्ट लेवियाथन, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ लीडर्स। दिस इज़ द सेवन चैलेंज ऑफ दिस सी फूड रीजन। यू हैव गॉट टू वंडर हु इज़ इन चार्ज हियर, राइट? माई स्पेशलिटी आर ड्रैगन पोकेमॉन, यू माइट बी इम्प्रेस्ड बाय विद देम। ओके वॉर्म यू स्टैंड स्टिल एंड फाइट मी। ओके इतना एटीट्यूड सही नहीं होता ब्रो। गेस वॉट यू विल स्ट्रगल अगेंस्ट मी। मैं तेरे को दिखाता हूँ पावर असली। स्टोनेज लिमिटेड होते हैं। मेरा अटैक एक बार फर्स्ट टाइम हो जाए, एक बार अटैक हो जाए। देखा देखा ग्लाइसगर की रियल पावर। अब तो कोई भी आ जाए लिटरली। ये पोकेमोन चला जाएगा, ये कोई नहीं। कोई भी लिटरली वन शॉट कर दूंगा इस पूरे जिम को। ड्रैगन नाइट भी आ जाए तो भी सब वन शॉट आएंगे, सब वन शॉट हो जाएंगे। जाइगेंटा मैक्स करेगा, देखते देखते क्या तेरा जाइगेंटा मैक्स सर्वाइव कर पाएगा इसको। आई गेस कर लेगा। ओके ओके ठीक है। वेल मेरे पास भी तो है ना ऑब्वियसली, तो लेट्स गो मैक्स स्ट्राइक। तुझे क्या लगा बस तेरा पोकेमॉन ही हो सकता है? अच्छा फुल रिस्टोर। ओके स्पीड तो मैंने काफ़ी ज़्यादा गिरा दी इसकी। पॉइजन हील तो काफ़ी सही है। ओके अब मेरे पास एक चांस है एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दैट चांस। एक्सट्रीम स्पीड से ज़्यादा कुछ होगा नहीं मुझे। दैट्स इट, हरा दिया हम लोगों ने इसको इजीली काफ़ी। पॉइजन हील एक नंबर एबिलिटी है, इसको तो हम लोग अभी अर्थक्वेक से हरा देंगे। ग्लाइस्कोर से पंगा नहीं लेने का, बहुत ओपी पोकेमोन है। आई कांट बिलीव आई लॉस्ट टू ट्रैश लाइक यू। अरे तू ट्रैश, तेरा खानदान ट्रैश। आई मस्ट एडमिट दैट यू आर स्पेशल, आई नेवर वुड हैव इमेजिन दैट लेसर बींग्स कुड डिफीट मी। यू विल ब्रिंग दिस लीग डाउन, आई एम श्योर ऑफ इट। ओके फॉर डिफीटिंग मी आई विल रिवॉर्ड यू विथ फ्लेक्स बैच। ओके तेरे तरह ही है तेरा नाम बैच का नाम। ओके टेक इट। ओके हम लोगों ने काफ़ी ईजी हरा दिया इसको। डोंट थिंक इट्स ओवर ट्रैश, आई स्टिल, मेरे को पहले तो ट्रैश बोलना बंद कर। आई स्टिल हैव रिवॉर्ड्स फॉर यू। जी क्रिस्टल दिया इसने, ड्रैगन टाइप मूव दिया। ओके ठीक है, हाँ पता है। अच्छा बाप को मत सिखा अपने, तेरे से तो मैं ऐसे ही बात करूँगा, बिकॉज अगर सामने वाला मेरे को रिस्पेक्ट से बात करेगा तो मैं भी रिस्पेक्ट दूंगा, बट अगर ऐसे कचरा वगैरह बोलेगा तो ऑब्वियसली मैं ऐसे ही बात करूँगा। योर अपोनेंट्स विल ड्रॉप विथ ऑल दैट पावर। ओके नाउ गेट आउट ऑफ माई साइट यूजलेस। अरे तू यूजलेस, गो टू रंगीरा सिटी। रंगीरोरा क्या नाम है ये? रंगीरोआ सिटी। ओके ए वेट, मैं यहाँ से इतना पागल नहीं हूँ, अभी मैं लिटरली यहाँ से जाऊँगा सीधा बाहर। ओके यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर कहाँ पे था? ओ यहाँ पे स्टीवन क्या कर रहा है? ओके आई गेस मैं उससे नेक्स्ट एपिसोड में बात करूँगा। आज के एपिसोड में काफ़ी है। यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर नहीं है क्या? कोई बात नहीं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। पीस आउट।